Today we will analyze important newspaper articles of 6th September 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download July 2021 magazine from our website spmisacademy.com. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Karbi Anglong agreement, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam issues point of view. तो सबसे पहले करंट न्यूज समझते हैं. देखिए ट्राई पार्टेट पीस अग्रीमेंट साइन हुई है. ट्राई पार्टेट पीस अग्रीमेंट मतलब तीन ग्रुप्स के बीच में, तीन पार्टीज के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुई है. और ये तीन पार्टीज हैं, पहले तो यूनियन गवर्नमेंट, दूसरा असम गवर्नमेंट और तीसरा फाइव कार्बी एंगलोंग मिलिटेंट ग्रुप्स. तो पांच इस तरह के इंसर्जेंट मिलिटेंट ग्रुप्स जो कार्बी एंगलोंग एरियाज में ऑपरेशनल थे, अब उन्होंने भारत सरकार और असम सरकार के साथ एक पीस अकॉर्ड साइन कर दिया है. और इसके साथ ही अब उम्मीद की जा रही है कि कार्बी एंगलोंग एरिया में जो थोड़ी बहुत लॉ एंड ऑर्डर के इशूज होते थे अब वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे एंड देर विल बी पीस एंड स्टेबिलिटी इन कार्बी एंगलोंग. ये जो पांच इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं इन सब का नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी यहाँ दे रखा है तो एक बार देख लेते हैं. कार्बी लोंगरी, नॉर्थ कचार हिल्स लिबरेशन फ्रंट, पीपल्स डेमोक्रेटिक काउंसिल ऑफ कार्बी लोंगरी, यूनाइटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मी, कुकी लिबरेशन फ्रंट एंड कार्बी पीपल लिबरेशन टाइगर्स. तो जो भी कार्बी आंगलोंग एरिया के आसपास के स्टूडेंट्स होंगे वो ये सब नाम जरूर सुन रखा होगा उन्होंने, लेकिन बाकी सबको भी ये डिटेल में याद रखने की ज़रूरत नहीं. आपको बस याद रखना है कि कार्बी अकॉर्ड साइन हुआ है इन 2021. दिस अकॉर्ड वॉज साइंड इन प्रेजेंस ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह. दिल्ली में अकॉर्ड साइन हुआ. इस अकॉर्ड के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या करके एग्जाम में हमारे यही काम आएगा. तो रुपीज़ 1000 करोड़ वन टाइम फाइनेंशियल एलोकेशन फॉर 5 ईयर्स. तो हर साल 200 करोड़ करके आने वाले 5 सालों में 1000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे कार्बी एंगलोंग एरिया के डेवलपमेंट के लिए. उसके अलावा कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल की सीटें जो हैं वो बढ़ा करके 26 से अब 50 कर दी जाएंगी. देयर विल बी एन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ सैनिक स्कूल इन द रीजन, डेवलपमेंट ऑफ रेल एंड रोड कनेक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट इन द कार्बी एंगलोंग. ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है बिल्कुल फ्रेश से, स्क्रैच से एक नया एयरपोर्ट बना जाएगा. देखिए ब्राउन फील्ड का मतलब हुआ कि पहले से ऑलरेडी वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए बेसिक रनवे है वगैरह है, और उसको फिर और डेवलप किया जाए तो कहा जाता है ब्राउन फील्ड एयरपोर्ट का डेवलप किया जा रहा है. लेकिन अगर बिल्कुल स्क्रैच से अगर कोई एयरपोर्ट बनाया जा रहा है तो उसको कहा जाता है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट. उसके अलावा स्पेशल रिक्रूटमेंट रैलीज बाय आर्मी पुलिस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस फॉर कार्बी यूथ. तो कार्बी यूथ्स को सरकारी नौकरियों में थोड़ा एडवांटेज दिया जाएगा, आर्मी में, पुलिस में या पैरामिलिट्री फोर्स में अपॉइंटमेंट में. उसके अलावा एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वेटनरी कॉलेज एंड हॉस्पिटल इन डीफू एंड वेस्ट कार्बी एंगलोंग, वोकेशनल एंड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एट दोनका मोकाम, फॉरेस्ट ट्रेनिंग कॉलेज इन वेस्ट कार्बी एंगलोंग एंड रीजनल रिसोर्स सेंटर ऑफ स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पंचट एंड रीजनल डेवलपमेंट एट बोकाजान. अब ये सब कुछ तो याद नहीं रह पाएगा, लेकिन फिर भी अगर 3-4 पॉइंट आप याद कर पाएँ तो मेन्स आंसर राइटिंग में आप अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं कार्बी एंगलोंग के अकॉर्ड पर अगर कोई सवाल आ जाए तो. अगर ओवरऑल थीम देखा जाए कि क्या है कार्बी एंगलोंग इस अग्रीमेंट में क्या फोकस किया जा रहा है, तो फोकस यही है कि कार्बी एंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दी जाए, पावर डिवोल्यूशन की जाए. एट द सेम टाइम जो असम की सरकार है उसके पावर में कोई खास कमी ना आए. तो मतलब असम की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव इंटीग्रिटी को कंजर्व करते हुए कार्बी एंगलोंग को रीजनल पावर डिवोल्यूशन किया जाए, यही फोकस है इन दिस कार्बी एंगलोंग अग्रीमेंट. द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट, इट इज सिम्बेक्स. इट इज अबाउट सिम्बेक्स एक्सरसाइज. तो समझते हैं इसके बारे में. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू. तो सिम्बेक्स इट इज अ 3-day नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड सिंगापुर, और ये हाल फिलहाल में कंडक्ट किया गया है. इट हैज़ बिन कंडक्टेड ऑन द सदर्न फ्रिंज ऑफ साउथ चाइना सी. तो ये है साउथ चाइना सी और बिल्कुल सिंगापुर के साथ इंडियन नेवी ने मिलकर के यहाँ पे कहीं पे सिम्बेक्स नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट किया है. अगर सिम्बेक्स की बात की जाए तो ये 1994 से ही इंडिया और सिंगापुर की नेवी मिलकर के कर रही है, और
सिम्बिक्स इज इंडियन नेवीज लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज, बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो 1994 से लेकर के अभी तक हर साल ये सिम्बिक्स एक्सरसाइज हुआ है, तो लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है ये। 1994 से शुरू हुआ और आज तक 2021 तक हर साल हुआ है। दिस ईयर इट वॉज 28th एडिशन ऑफ सिम्बिक्स एक्सरसाइज। तो यहाँ पे कहीं पे ये हुआ है और हर साल लगातार होता रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर टू बी द लॉन्गेस्ट अनइंटरप्टेड बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। अगर आप सिम्बिक्स का आपको स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस समझना है तो आपको ध्यान होगा कि कैसे 1991 में अपने एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया ने 1992 में लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाया। लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज फोकसिंग ऑन द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में सिंगापुर भी आता है। तो इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी के दौरान साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पर फोकस किया, बट एट द सेम टाइम थोड़ा स्ट्रैटेजिक और मिलिट्री इंटरेक्शन भी हम प्रमोट कर रहे थे। और उसी के दौरान फिर ये सिम्बिक्स एक्सरसाइज 1994 में शुरू हुआ। तो आप मान सकते हैं कि दिस सिम्बिक्स एक्सरसाइज वॉज आउटकम ऑफ लुक ईस्ट पॉलिसी। लेकिन ये सिम्बिक्स एक्सरसाइज करेंट टाइम में और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो गया है, क्योंकि धीरे धीरे चाइना इन 21st सेंचुरी बिकेम मोर डोमिनेंट, मोर अग्रेसिव इन दिस रीजन, एशिया पैसिफिक रीजन। और आपको पता है कि चाइना का अग्रेशन साउथ चाइना सी में बहुत ज़्यादा दिखता है। हाल फिलहाल में चाइना ने एक नया लॉ भी बनाया है जहाँ पे कोई भी वेसल, चाहे वो मिलिट्री वेसल हो चाहे वो कॉमर्शियल वेसल हो, अगर कोई भी फॉरेन वेसल कोई साउथ चाइना सी से गुजरना है तो उसको चाइनीज़ नेवी से परमिशन लेना होगा और उसके सर्विलेंस में ही गुजर सकता है। तो एक काफ़ी अग्रेसिव पॉलिसी लेकर के आया है चाइना। तो ऐसे टाइम में इंडिया जो है वो अपने साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज़ हैं, जो हमारे पार्टनर्स हैं, उनके साथ मिलकर के ये नेवल एक्सरसाइज कर रहा है। खासकर ये सिम्बिक्स एग्जांपल ले लिया जाए, उसके अलावा हमने कुछ दिनों पहले मालाबार एक्सरसाइज किया जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस के साथ मिलकर के। सो ये सब जो नेवल एक्सरसाइजेज हैं, वैसे तो ये दिखाया जाता है कि इट इज़ अ ड्रिल फॉर प्रिपेयरिंग कंट्रीज इन केस ऑफ सम एक्स्ट्राऑर्डनरी सर्कमस्टांसेज लाइक मैरीटाइम पैरेसी या फिर मैरीटाइम डिजास्टर। लेकिन इनका रियल पर्पस होता है पावर प्रोजेक्शन, अपनी दिखाना, अपनी पावर दिखाना कि हम कितने कैपेबल हैं। तो कहीं ना कहीं ये सिम्बिक्स एक्सरसाइज या मालाबार एक्सरसाइज, ऑल दीज आर पावर प्रोजेक्शन अगेंस्ट चाइना इन साउथ चाइना सी इन ऑर्डर टू कंट्रोल द एग्रेसिवनेस ऑफ चाइना इन साउथ चाइना सी। अगर चाइना यहाँ पे पावरफुल हो गया, साउथ चाइना सी में अलग अलग तरह के लॉ लेकर के आ रहा है, और साउथ चाइना सी अगर पूरी तरह से चाइना का बैकयार्ड बन गया तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएँ, क्योंकि धीरे धीरे फिर चाइना इंडियन ओशन में भी अपना अग्रेशन दिखाना शुरू करेगा, अपने मसल फ्लेक्सिंग शुरू करेगा। और फिर इंडियन ओशन में अगर चाइना का इन्फ्लुएंस और ज़्यादा बढ़ जाता है तो इट विल क्रिएट मोर प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया, बिकॉज इंडिया वांट्स दिस इंडियन ओशन टू बी सीन एज बैकयार्ड ऑफ इंडियन नेवी। आवर नेवी वांट्स टू बिकम अ ब्लू वाटर नेवी इन द इंडियन ओशन, मतलब मोस्ट पावरफुल नेवी इन द इंडियन ओशन। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजिक कन्फ्लिक्ट है, और डायरेक्टली हम चाइना के साथ नहीं कन्फ्रंट कर रहे हैं, लेकिन थ्रू दीज मैरीटाइम एक्सरसाइजेस वी आर मेकिंग पावर प्रोजेक्शन कि देखिए हमारे पास इतनी आर्मी की स्ट्रेंथ है, हमारे ये पार्टनर्स हैं इन द रीजन, एंड प्लीज़ डू नॉट बिकम वेरी बेलिजरेंट और एग्रेसिव इन साउथ चाइना सी ओवरऑल एंड द एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये कहीं ना कहीं चाइना सेंटर्ड ये एक्शन की तरह देखा जा सकता है सिम्बिक्स को भी। इस टॉपिक के बेसिस पे ये हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम नेशनल सेगमेंट, इट इज अबाउट नीपा वायरस, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली फ्रॉम द हेल्थ सेगमेंट। तो नीपा वायरस के बारे में समझते हैं। देखिए एक जूनोटिक डिजीज है। जूनोटिक डिजीज मतलब इट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमन बींग्स, वैसे डिजीज को कहा जाता है जूनोटिक डिजीज। और नीपा वायरस ये एक वायरस है जो जानवरों से इंसानों में आता है और हमें बीमार कर सकता है। ये जो नीपा वायरस का नेचुरल रिजर्वॉयर है, मतलब जहाँ ये नेचुरली पाया जाता है, वो है फ्रूट बैट्स। दीज फ्रूट बैट्स आर नेचुरल होस्ट ऑफ नीपा वायरस। अब ये फ्रूट बैट्स क्या करते हैं, फ्रूट्स को इस तरह से इन्फेक्ट कर देते हैं। थोड़ा बहुत कुछ फ्रूट खा लिया, जैसे
गुआवा खा लेते हैं थोड़ा बहुत, एप्पल खा लेते हैं या फिर मैंगो खा लेते हैं थोड़ा बहुत, ये इस तरह के ये फ्रूट बैट्स इस तरह के फ्रूट्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। इनमें भी जब ये इसको खाएगा तो इसमें नेचुरली थोड़ा बहुत वायरस चला जाएगा, नीपा वायरस विच इज़ ओरिजिनली प्रेजेंट इन दिस फ्रूट बैट। और उसके बाद अगर इस इन्फेक्टेड फ्रूट को कोई इंसान खाता है तो वो फिर नीपा वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है। और एक बार जब इंसान नीपा वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है तो फिर एक इंसान से इंसान में भी वो नीपा वायरस स्प्रेड कर सकता है थ्रू हिज रेस्पिरेटरी सिस्टम। जिस तरह से कोरोना फैलता है वैसे ही ये नीपा वायरस भी इंसान से इंसान में फैल सकता है, लेकिन ओरिजिनली इट कम्स फ्रॉम एनिमल्स, दैट इज़ व्हाट इज अ जूनोटिक डिजीज़। और ये जो नीपा वायरस है विच इज़ फाउंड इन फ्रूट बैट्स, ये बाकी सारे जानवरों को भी बीमार कर सकता है, और उसमें सबसे ज़्यादा ये बीमार करता है पिग्स को। इस कारण से पिग्स की भी डेथ हो सकती है इन अ लार्जर नंबर, और इस कारण से जो पिगरी सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इकोनॉमिक थ्रेट है नीपा वायरस, उसके अलावा ह्यूमन हेल्थ के लिए तो थ्रेट ही है नीपा वायरस, क्योंकि इंसान इन्फेक्टेड जब हो जाते हैं तो उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक वैसे ही जैसे कोरोना वायरस में होता है। उसके अलावा नीपा वायरस में एंसेप्टेलाइटिस हो सकता है। एंसेप्टेलाइटिस मतलब जो ब्रेन के सेल्स हैं, ब्रेन के मसल्स हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हो सकता है, सूजन हो सकती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं नीपा वायरस के कारण। नीपा वायरस इसके बारे में ज़रा समझते हैं, क्या इसका कोई ट्रीटमेंट है? तो आपको जानना चाहिए कि देर आर करेंटली नो ड्रग्स और वैक्सीन्स स्पेसिफिकली डेवलप्ड अगेंस्ट नीपा वायरस इन्फेक्शन। तो इसका अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है नहीं, ना कोई वैक्सीन है, लेकिन WHO ने नीपा वायरस को एक प्रायोरिटी डिजीज़ की तरह आइडेंटिफाई किया हुआ है, और इस कारण से WHO की रिसर्च और डेवलपमेंट टीम जो है इस पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक इसका कोई वैक्सीन या मेडिसिन है नहीं। अगर आप ज़रा देखें नीपा वायरस की हिस्ट्री इन इंडिया, देखिए नीपा वायरस कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऑलरेडी स्प्रेड हो चुका है पहले भी। इंडिया के अंदर भी 2018 में नीपा वायरस स्प्रेड हुआ था इन सदर्न स्टेट्स लाइक केरला एंड तमिलनाडु। उस टाइम में लगभग 3000 लोग इससे ग्रसित हुए थे, लेकिन फिर धीरे धीरे इसको कंट्रोल कर लिया गया। तो उस टाइम में तो ये नीपा वायरस का आउटब्रेक कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन हाल फिलहाल में वापस से नीपा वायरस रिसर्च हुआ है केरला में, जिस कारण से ये न्यूज़ आर्टिकल आया है। और कल 5 सितंबर को एक अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंट हुई है, जहां पे एक 12 साल के बच्चे की 12 ईयर ओल्ड बॉय डाइड इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन कोझिकोड केरला बिकॉज ऑफ दिस नीपा वायरस। तो नीपा वायरस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंसेप्टलाइटिस हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन इन द ब्रेन। उसके अलावा इस बच्चे को नीपा वायरस के कारण मायोकार्डाइटिस भी हो गया था, यानी कि हार्ट मसल में इन्फ्लेमेशन भी हो गया था, जिस कारण से इस बच्चे की डेथ हो गई। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम एनवायरमेंट सेगमेंट, इट इज अबाउट ग्रीन स्टेटस डेवलप्ड बाई IUCN। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर फॉर इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो जरा समझते हैं पहले IUCN के बारे में, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन स्विट्जरलैंड, इट वॉज क्रिएटेड इन 1948 एंड इट हैज़ गॉट एन ऑब्जर्वर स्टेटस एट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम आपने कई दफ़ा सुन रखा होगा, मेरे न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी। ये एक रेड लिस्ट प्रिपेयर करता है, रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, जिसमें अलग अलग स्पीसीज को अलग अलग कैटेगरी में डाला जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द इम्पैक्ट और द थ्रेट लेवल ऑन द सर्वाइवल ऑफ दोज स्पीसीज। तो ये IUCN रेड लिस्ट में ये अलग अलग कैटेगरीज हैं जो प्रिपेयर करता है IUCN। जो स्पेसीज जिस पे कोई खास खतरा नहीं है उसको लीस्ट कंसर्न में रखता है, उसकी थोड़ा सा अगर खतरा बढ़ता है तो नियर थ्रेटेंड। और सबका अपना टेक्निकल डेफिनेशन भी है, इतनी पॉपुलेशन हो जाएगी तो लीस्ट कंसर्न से नियर थ्रेटेंड, उससे ऊपर वल्नरेबल, और ज़्यादा खतरा बढ़ा तो एंडेंजर्ड, और ज़्यादा खतरा बढ़ा तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड, और अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन कम होने लगा तो एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड। यहाँ पे उन जानवरों को रखा जाता है, उन स्पीसीज को रखा जाता है जो नॉर्मली जंगलों से ख़त्म हो गए, नेचुरल एरिया से ख़त्म हो गए, जो मान लीजिए जू में या किसी एक पर्टिकुलर जगह पे कंजर्व करके रखे हुए हैं, और फिर अंत में होते हैं एक्सटिंक्ट वो जानवर जो पूरी तरह से, वो फ्लोरा फौना जो पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। और इस तरीके से IUCN जो है वो अलग अलग कैटेगरीज में फ्लोरा फौनास को डाल करके उनके ऊपर कितना सर्वाइवल का थ्रेट है
वो हाईलाइट करता है, और इससे फिर पता चलता है लोकल गवर्नमेंट्स को, अथॉरिटीज़ को, कि इन इन स्पीसीज़ को कंजर्व करके रखना है। और इस IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लेकिन इसकी फंडिंग जो है इट कम्स फ्रॉम डिफरेंट गवर्नमेंट्स, बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल एजेंसीज, बिकॉज IUCN इज इंगेज्ड इन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब IUCN से रिलेटेड तीन नए डेवलपमेंट हुए हैं जिनको एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले ग्रीन स्टेटस, एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आया है IUCN, जिसमें देखिए अभी तक तो ये बताता था कि स्पीसीज के ऊपर कितना खतरा है, लीस्ट कंसर्नड है कि नियर थ्रेटेंड है, वल्नरेबल है, लेकिन अब एक नया इनिशिएटिव लाया है IUCN जिसका नाम है ग्रीन स्टेटस। इस इट विल बी अ ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर असेसिंग स्पीसीज रिकवरी एंड मेजरिंग कंजर्वेशन इम्पैक्ट। सरल शब्दों में कहें तो अगर किसी स्पीसीज को कंजर्व करने के लिए जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो इनिशिएटिव से कितना फ़ायदा हो रहा है वो प्रेडिक्ट किया जाएगा, वो प्रोजेक्ट किया जाएगा अंडर दिस ग्रीन स्टेटस। तो इट विल बी द फर्स्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर असेसिंग स्पीसीज रिकवरी, कि एक स्पीसीज की रिकवरी कितनी बेहतर तरीके से हो रही है, उसका कंजर्वेशन पे इम्पैक्ट कितना बेहतर पड़ रहा है, दैट विल बी हाईलाइटेड अंडर ग्रीन स्टेटस। दूसरा इनिशिएटिव, दूसरा न्यू जो IUCN से रिलेटेड है वो है रिगार्डिंग कोमोडो ड्रैगन्स। तो ये जो कोमोडो ड्रैगन्स हैं दे आर लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड्स विच आर फाउंड ओनली इन द कोमोडो नेशनल पार्क विच इज़ इन इंडोनेशिया, और इनको हाल फिलहाल में IUCN ने इंडेंजर्ड कैटेगरी में प्लेस किया है। इस कारण से ये कोमोडो ड्रैगन्स न्यूज़ में थे। ये दुनिया के सबसे बड़े लिजर्ड हैं, सर्वाइविंग लिजर्ड, एंड दे आर फाउंड ओनली इन इंडोनेशिया इन एरियाज नियर कोमोडो नेशनल पार्क। तीसरा, एक रिपोर्ट पब्लिश करता IUCN, सर्वाइवल वॉच लिस्ट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के हिसाब से IUCN ने कहा है कि समवेयर अबाउट 28% ऑफ 1,38,374 स्पीसीज असेस्ड बाय IUCN आर नाउ अंडर हाई रिस्क ऑफ वैनिशिंग फॉर एवर। तो लगभग 1,38,000 स्पीसीज जिनकी स्टडी करता IUCN फ्लोरास फौनास की, उनमें से 28% यानी कि 1/4 से भी ज़्यादा जो है वो परमानेंट वैनिशिंग या एक्सटिंक्शन के खतरे से जूझ रहे हैं। दैट इज़ द रिपोर्ट। तो ये सर्वाइवल वॉच लिस्ट रिपोर्ट में IUCN ने बताया है। और तीन जो मेन कारण इनके एक्सटिंक्शन के पीछे, जो इनके लगातार पॉपुलेशन कम होने के पीछे जो IUCN ने तीन मेन कारण बताए हैं वो है हैबिटेट लॉस। लगातार इन स्पीसीज़ के हम लोग जंगलों को काटते जा रहे हैं, इसलिए उनके रहने के लिए हैबिटेट की कमी हो रही है, इलीगल हंटिंग एंड इलीगल ट्रेड, एंड ग्लोबल वार्मिंग। दीज आर द थ्री मेन रीजंस बिहाइंड कंसिस्टेंट डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ दीज फ्लोरास एंड फौनास। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट, इट इज अबाउट इंग्लिश वर्जन ऑफ सारथी बुक, एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस पेपर 6 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो सारथी बुक शॉर्ट में समझ लेते हैं इसके बारे में। इट वॉज रिटन इन 1911। APSC के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, ध्यान रखना। ये जो सारथी बुक है इट इज रिटन, इट टॉक्स अबाउट मोरालिटी एंड एथिक्स, एंड इट इज़ रिटन इन असमीज लैंग्वेज। तो मोरालिटी और एथिक्स पे असमीज लैंग्वेज के अंदर ये सबसे पुरानी और सबसे पॉपुलर बुक है। इट वॉज रिटन बाई सत्यनाथ बोरा जी। करंट न्यूज जो सारथी बुक से रिलेटेड है वो ये है कि इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस बुक हैज़ बीन रिलीज रिसेंटली, एंड दिस बुक हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश बाई त्रिदीप बोरा, हु इज़ द ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ सत्यनाथ बोरा। तो जिन्होंने असमीज वर्जन लिखा है उनके ग्रेट ग्रैंड सन त्रिदीप बोरा जी ने उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। सिन गैस इज कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्क्स अंडर कंट्रोल ऑफ ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।